मछलियाँ एक ऐसी लानत है जो हमारे माशरे के नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रही है। मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। जो शख्स इस लत में पड़ जाता है वो अच्छे बुरे की कमी भूल जाता है। मंशियात की लत में पड़े हुए लोगों की जिंदगी किसी मौत से कम नहीं होती। हम कराची की सड़कों पर रोजाना की बुनियादों पर मंशियात के आदि लोगों को देखते हैं जिनकी जिंदगी मौत से बदतर होती है। क्या हमने कभी ये सोचा कि ये भी किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के बाप हो सकते हैं? लेकिन इस लानत ने इन तमाम रिश्तों को इनसे दूर कर दिया। अब फिक्र की बात यह है कि तालीमी इदारों में मंशियात का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। नित नए किस्म की मंशियात मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही है जो नौजवान नस्ल को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। अगर इस चीज को ना रोका गया तो हमारी नौजवान नस्ल तबाही के उस दहाने पर खड़ी हो जाएगी। इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। मंशियात की लत में पड़े हुए इंसान की जिंदगी किसी जानवर से कम नहीं होती। उसे ये माशरा किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता और इस तल्ख हकीकत का सामना हमने खुद भी करके देखा जब हमने अपने प्रोग्राम टारगेट में एक दिन उसी तरह गुजारा जिस तरह मंशियात की लत में पड़ा हुआ इंसान गुजारता है। और बाखुदा मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरी जिंदगी का ये सबसे मुश्किल टारगेट ये प्रोग्राम जिसमें मैंने खुद एक मंशियात की लत में पड़े हुए इंसान का किरदार अदा किया और उसकी तरह एक दिन गुजारा। एक अंडा पराठा और चाय। मैंने एक आम आदमी की तरह अंडे पराठे और चाय का ऑर्डर दिया लेकिन इस शख्स ने आखिर मुझे नाश्ता देने से इनकार क्यों कर दिया? मैं तो इसे पैसे देने को भी तैयार था। यार मुझे दे दो, भूखा हूँ भाई। नहीं 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 मैं भूखा हूँ, मुझे दे दो यार। नहीं कुछ भी नहीं, उठ जा यार, उठ जा। बाखुदा ये दिन गुजारने के कई दिनों तक मेरे दिमाग में ये सब चलता रहा जो उस दिन मेरे साथ हुआ। सर कोई भी काम आप मुझे देके देख ले, मैं कर लूंगा सर। मैं इन सब के लिए एक मजाक बनकर रह गया था और मजा मंशिया। आज तुम्हें काम पे रखेंगे, पैसे मिलेंगे, फिर तुम पियोगे, फिर दो दिन बाद गायब हो जाओगे तुम। सर तो मैं क्या करूंगा, मेरा हल क्या है? तुम्हारा हल क्या है? तुम्हारा हल सिर्फ पाउडर ही है और कुछ नहीं। हर जगह जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। इंसानों के बीच में अपने आप को किसी जानवर से बदतर महसूस कर रहा था। हाँ तुम कहाँ से आए? मैं PIB कॉलोनी से। तुम कहाँ रहते हो? मैं तो रहता हूँ बड़ी दूर यार, वो गुजर नाला देखा है? हाँ गुजर नाले का, वो जो आखिरी लियारी से शुरू होता है वहाँ पे रहता हूँ। वहाँ रहता? हाँ। तुम डॉक्टर हो? हाँ। डॉक्टर क्यों कहते हैं तुम्हें? ये बिठाते, ये लोगों को सिरिंजे बिठाता है। अच्छा? हाँ ड्रग्स की सिरिंजे बिठाता है। तुम्हें क्या ड्रग्स चाहिए? मेरे पास है। है? है, मैंने कोने से लिया है। अच्छा। माशरे में मौजूद लोग मुझे किसी तौर पर इंसान का रुतबा नहीं दे रहे थे। इनके नजदीक तो मैं सिर्फ एक ऐसी शय था जिसे वो अपने पास बिठाना तो दूर की बात, अपने पास से गुजरना भी गवारा नहीं समझते। डॉक्टर को दिखाना। क्या हो गया? पेट में दर्द है। यहाँ तो पैसे लगेंगे। हाँ पैसे लगते हैं या? पैसे दे दूंगा। डॉक्टर को दिखाएंगे। क्या हुआ? बाहर गए। वहां से ठोकर खाकर अब मुझे भूख तंग कर रही थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि दोपहर का खाना किसी ढाबे वाले मामूली होटल से खाकर देख लिया जाए। मेरे कदम इस होटल पे क्या पड़े, लगा कि कोई इंसान नहीं बल्कि तीसरी मखलूक आ चुकी हो। सर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपको किसने कहा पीने वाला? नहीं मेरे भाई, इस तरीके से पीने सीने वाले तो अपना क्या देखो, गंदे हुए पड़े हो, इस तरीके से खाना खाना नहीं दे सकते। ये उठाओ अपना, बाहर जाओ उधर, इधर बैठ के खा लो। बाहर बैठो, उधर जमीन पे बैठो, आपको दे रहा है खाना। उधर बैठ के क्या है? उधर बैठो आप, सब बैठे हुए ना, वो भी तो इंसान है। बाहर बैठो आप। यार जब सब बैठे हुए तो क्या है? इस शख्स ने मुझसे पैसे लेने के बाद मुझे धुतकारते हुए जमीन का एक गंदा कोना दिखाया, वहाँ बिठाकर मुझे खाना दिया गया। यानी पैसे भी पूरे लिए गए और खाना भी खैरातियों की तरह किया। ये एक दिन मेरी जिंदगी के हजारों दिनों से बाहरी था। अब जरा सोचिए कि जो यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालिबात इस लत में पड़ जाते हैं और अगर उनकी जिंदगी भी खुदा ना खास्ता ऐसी हो तो क्या ये सोचकर हमारी रूह कांप नहीं उठेगी? क्या उनके माँ बाप का कलेजा फट नहीं जाएगा? तो खास तबका हमारे तालीमी इदारों में मंशियात का रुझान आम करती जा रही है। नित नई मंशियात को फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है।
ऐसी ही कुछ फुटेज हमें कराची की तालीमी इदारों से मौसूल हुई, जिसमें ये नौजवान नस्ल इस नशे को फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सीन बता, क्रिस्टल का क्या सीन है? वो एक लड़का है, वो देता है, लेकिन वो पता है क्या है मसला? ये वो उन्हीं को दे रहा है जो पीता है, वो नहीं है थर्ड सेमेस्टर वाला। किताबें को लेके घूम रहा तू, बहुत पढ़ने वाला है? पढ़ने की बात नहीं है भाई, वो चेक कर इसकी। अरे जाने, मुझे भी तो दे, बना के देना। अभी बनाएंगे तो नहीं बनाऊंगा, जल्दी करना है। अनार बना रहे माल कम लाया है, जल्दी करो यार। तुम लोग तो बैठी है, अभी तीन बंदे हैं, टाइम तो लगता है ना भाई। क्रिस्टल की जुगाड़ आप कर रहे हो या फिर मैं करूँ किसी? मैं कर लूंगा। क्रिस्टल अभी परसों मंगवाते हैं उससे। दादा ये नुकसानदेह वो टाइट है, क्रिस्टल बहुत टाइट है। दादा अभी वीवो में घूम रहे, इधर क्रिस्टल के पैसे नहीं है। आप बातें करो उसकी चर्ची। हाँ जल्दी कर, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? जल्दी देख कौन आ रहा है। मेरी जला ले। अफसोस की बात यह है कि तालीम इदारों में मौजूद कुछ तलबा इसे फरोग भी कर रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में मुतारिफ कराया जाने वाला नशा आइस सरे फहरिस्त। आइस में सूडो एफिड्रिन का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। माजी में हमने कुछ अरसा कबल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के साथ इन जगहों का आइस के इस्तेमाल के बाद इंसान अंदर ही अंदर ऐसे घुलने लगता है जिसका तस्वीर आप नहीं कर सकते। फिर उनसे 10 गुना ज्यादा खतरनाक नशा आइस नौजवानों में बहुत मकबूल होता जा रहा है। पार्टीज में, तालीमी इदारों में कुछ मखसूस तबका इसकी सप्लाई कर रहा है। इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक है इसका अंदाजा शायद अभी उन नौजवान नस्ल को नहीं हो रहा जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंतहाई महंगा नशा करार दिया जाने लगा है। नौजवान नस्ल में इसका बढ़ता हुआ रुझान, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज साबित होगी। इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए टीम टारगेट ने एक हिकमत अमली तरतीब दी। हमें इस चीज की खबर मिल रही थी कि तालीमी इदारों में मंशियात को सप्लाई करने में एक मखसूस तबका इन्वॉल्व है जो खास तौर पर आइस की सप्लाई तालीमी इदारों में कर रहा है। इसी सिलसिले में हमने अपने कुछ इन्फॉर्मर इस काम पर लगाए कि आया कौन है जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। बिला आखिर हमें एक लीड मौसूल हुई। हमारे नुमाइंदे को उस शख्स का पता लगा जो हमारी नौजवान नस्ल को आइस सप्लाई करने का काम कर रहा था। हमारे नुमाइंदे ने इस शख्स से टेलीफोन पर रापता किया। आइस चाहिए थी, वो आप बताएं मुझे रेट क्या होता है। उसने मुझे 2500 रुपए बताए थे कि वो 100 ग्राम 2500 रुपए, लेकिन मुझे आप 50 ग्राम कितने की देंगे? यार कुछ कमी पेशी कर लें यार भाई, भाई आपको पता है स्टूडेंट लोग हैं हम लोग। अच्छा 200 ग्राम कितने की बनेगी भाई? 5000 रुपए। चले आप फिर मुझे ऐसा करें कल आते हैं। इस शख्स को पकड़ने के लिए हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना था, क्योंकि एक हमारी जरा सी गलती हमारा पूरा मिशन तबाह कर सकती थी। ये वो लोग थे जो पैसों के लिए नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेल रहे थे। टीम टारगेट ने फौरी तौर पर एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का रुख किया। वहां जाकर एक टीम मीटिंग तश्कील दी गई, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि आया किस तरह इस शख्स को टारगेट किया जाए। अभी एक इन्फॉर्मेशन में मिली है दाऊद साहब, जैसे कि एक बंदा ट्रेप किया हुआ है इन्फॉर्मर ने, एक स्टूडेंट को माल देने जा रहा है, उस पर थोड़ा आप नज़र डालें, कोशिश करेंगे उसको आज का आज ट्रेप करना, इमीडिएटली ट्रेप करना। ये शख्स हमारे नुमाइंदे से मिलने एक मुकाम पर आने वाला था। एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक हिकमत अमली तरतीब दी। वसीम साहब, साथ खान साहब जो है इसकी सप्लाई कर रहे हैं। वसीम साहब, क्या प्लानिंग है आप लोगों की, किस तरह अब उस जगह को टारगेट करने का प्लान है? बस ये इन्फॉर्मर है हमारा। ओके, जो जाएगा उससे बात करेगा, हमने जो पकड़ना है उसको सामान के साथ इन्फॉर्मर के साथ पकड़ के उसको रख लेंगे। हमारा बंदा हमें जो देख रहा होगा वो बता देगा, मोबाइल और सारा स्टाफ आ जाएगा, उसको लेके इंशाल्लाह वहीं पे फिर हम बिजी। अभी हम निकलते हैं यहाँ से, और जैसे कि पूरी प्लानिंग यही है कि वहाँ पर जो है सिविल में लोग बैठे होंगे, आप लोगों को बताने का मकसद है, क्योंकि जो भी इस तरह की रेड्स होती हैं ये बड़ी इतनी ईजी नहीं होती, इतनी बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बंदा आ रहा होगा तो वॉच करता हुआ आएगा, रास्ते में अगर उसको इस तरह का कोई ड्रेस में बंदा नजर आ गया तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पहली दफ़ा जो है वो हमारा इन्फॉर्मर उससे डील कर रहा है। अभी देखते हैं बाकी जो भी सिचुएशन होगी वो आप आगे देखें। एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपनी हिकमत अमली पूरी कर ली। सादा कपड़ों में मलबूज लोगों ने इस मुकाम को पूरी तरह कवर कर लिया और हम भी दूर बैठे इस शख्स का इंतजार कर रहे थे। काफी वक्त गुजरने के बाद ये शख्स हमारे नुमाइंदे के पास आ पहुंचा। क्या हिसाब किताब क्या चल रहा है?
आपको बताया था ना 2500। अबे 2500 रुपए तो बहुत ज़्यादा है मेरे भाई यार, ऐसा नहीं होता है यार। बहुत निजाम खराब है, महंगाई है, और पता नहीं किस तरीके से लेके आया जा रहा है, आपको क्या पता। तुम इतने पैसे बता रहे हो तो कैसे लेंगे यार, रेफरेंस का तो ख्याल करो यार। ये है इन्होंने भेजा ना, उन्हीं की बात करो। माल कैसा ये बताओ, खुद ईमानदारी से बताओ। एक नंबर माल है तुम्हारे पास जो है, ऐसा माल आपने नहीं देखा होगा। हम दूर से बैठे ये तमाम मनाजिर देख रहे थे। ये शख्स पैसों का बोल तोल कर रहा था। कैसे बताया उसने 100 ग्राम के क्या बताया? 2500 रुपये। अबे यार कोई मुनासिब कर ले यार, टाइम नहीं लगा। अबे भाई कुछ तो कम करे यार, स्टूडेंट होने का तो ख्याल करो यार। बस करो स्टूडेंट हो जब भी, तो तुम्हारे को यार बंदे का ख्याल करके मैंने तुम्हारे को बोला, वरना मैं आता नहीं हूँ। बंदे चलो 2300 रुपये ले लो यार भाई। नहीं अबे यार भाई, ये कर ले यार, कर ले। अच्छा आगे कितने तक मतलब मैं किसी स्टूडेंट को दे सकता हूँ? किसी दोस्त को दो यार 3500 रुपये तक जाके दे सकते हो। माल शार्ट है, शार्ट माल। अबे कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, डर क्यों रहे तू यार? कैसी बात कर रहे हो आप यार, इस काम में आप क्या समझते हो? आप तो उससे तफरी करने के लिए मेरे को लेने तफरी नहीं कर रहा भाई, लेने के लिए बोला। चलाओ दो माल, दो माल दो। जैसे ही हमें सिग्नल मौसूल हुआ, वैसे ही हमने इस शख्स पर धावा बोल। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। चलो निकालो माल, निकालो, दिखाओ क्या दिया इसने। ये जी दिखाओ, क्या नाम है? नाम बता, नाम बता बेटा, नाम बता। क्या करने आए थे इधर? देखिए आजकल बहुत ज्यादा ड्रग्स यूज लोग करने लगे हैं। एक तो वही आपने कहा फैशन बनता जा रहा है, एक फ्रेंड का सर्कल होता है, एक ले रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा भी लेना शुरू, और फिर वो समझते हैं हम शायद हाई सोसाइटी में चले गए। दुनिया भर में जो है ये लीगल और इलीगल दोनों तरीके से यूज होता है। तो इलीगली जो है ये इसमें सुडोएफेड्रिन कंपाउंड है, और ये वही वाली बात है कि ये खतरनाक कंपाउंड है, और प्लस जो इस ड्रग में ये जो आइस में यूज हो रहा है कि क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है, वो आपकी लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन, हर चीज़ को डैमेज कर देता है, पूरी बॉडी आपकी समझने के। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 5 to 10 years होती है इसकी। ये शख्स कानून की गिरफ्त में आ चुका है, इसके पास से वो जहर भी बरामद हुआ जो ये नौजवान नस्ल की रगों में डाल रहा था। नाज़रीन देख सकते हैं आप किस तरह नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, और किस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये आइस जो है सप्लाई की जा रही है। इस वक्त में इसका वेट किया जा रहा है यहाँ पर। काफ़ी दिनों से इस शख्स को हम ट्रैप कर रहे थे, हमारे इन्फॉर्मर ने भी इससे बात करी है, वो तमाम वीडियोस भी हम आपसे शेयर करेंगे जो हम इस वक्त उसकी खुफिया वीडियो भी बना रहे थे, टेलीफोन कॉल्स भी आपके पास सारी मौजूद है। अभी ये शख्स पकड़ा गया है, अभी देखेंगे कि जी के क्या इसके पीछे कौन है और कहाँ से ये सारा सामान लाता है। ये शख्स एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में मौजूद है। इसने जो इंकशाफात किए उन इंकशाफात ने हमारा दिल दहला दिया। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? शर्म नहीं आती है, तुम नौजवान नस्ल को ऐसी लत में डाल रहे हो, और तुम्हें कोई चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि नौजवान नस्ल किन चक्रों में पड़ रही है। सर क्या करें, मजबूर हैं, पैसों की वजह से मजबूर हैं। मजबूरी में किसी के बच्चे को तबाह कर दोगे, किसी नस्ल को तबाह कर दोगे। अभी क्या करने आए थे तुम इससे, क्या करने आए थे? यही देने आए थे? सर यही देने के लिए आए थे। कुछ तलबा ना सिर्फ इस नशे का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपनी इस लत को पूरा करने के लिए इसका बिजनेस भी कर रहे हैं। यानी हमारी नौजवान नस्ल मंशियात फरोश बन गई। स्टूडेंट्स को बेचते हो? जी जी, ये लोग मंगाते हैं सर, फोन करते हैं मुझसे मंगाते हैं, उसके बाद आगे ये लोग खुद तकसीम करते हैं जाके। इसने हमें पूरा तरीका कार बताया कि आया किस तरह आइस की सप्लाई की जाती है और इसे कितना फायदा होता है। कहाँ से लेकर आया तुम? जी सर कोयटा से। अच्छा वहाँ कोयटा में कौन देता है तुम्हें, कोयटा में कौन बनता है? नाम बताओ। यूनिवर्सिटी में कौन किन स्टूडेंट्स को दिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में देते हो? यूनिवर्सिटी के अंदर ही लोग आपस के अंदर खुद जाके वो आगे कर लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी के किसी एक स्टूडेंट को देता है और उसके बाद वो अंदर सप्लाई करता है। अच्छा ये बात बताओ, स्टूडेंट्स रابطہ कैसे करते हैं तुमसे? लड़कियां भी ये बहुत इस्तेमाल कर रही हैं ये नशा? लड़कियां भी रابطے में होती हैं तुमसे? सर जी सर। हम ये जानना चाहते थे कि ऐसे कौन से तलबा हैं जो गुमराही की तरफ जा रहे हैं। कोई लड़का बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी का जो तुमसे आज माल ले लेगा? जी सर वो लड़का है। कौन सी यूनिवर्सिटी का? उसको बुलाओगे तो माल ले लेगा? जी सर आ जाएगा, फोन उनका सुबह आया भी था। इसने एक बायर जो कि एक तालबे इल्म था इससे हमारा रابطہ करवाया। बिल्कुल तुमने होशियारी नहीं करनी है, स्पीकर खुले में इसको बोलो एक और मेरा बंदा है वो तो मैं आज माल देगा। इसी की बात करो, मैं सुन मैं बात कर रहा हूँ। हाँ क्या
अच्छा मेरा बंदा आएगा तेरे पास में, तो मैंने उसको नंबर दे दिया है तेरा, तो उसको माल दे दिए उस, ठीक है, जो तेरे पे बस ये है तकरीबन 100 ग्राम माल पहुँचाओ, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो ठीक है। अभी करते हैं दोस्तों, अपने किसी बंदे की बात कराते और फिर इसको ट्रैप पे लगाते हैं। आइस का नशा ना सिर्फ तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तुलबा इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि प्राइवेट पार्टीज में भी इसकी सप्लाई पढ़े लिखे लड़के कर रहे हैं, जिसके बहुत से शवाहिद हमें मिलते जा रहे हैं। हमारे एक नुमाइंदे ने उस लड़के से राब्ता किया। हमारे नुमाइंदे ने इस लड़के से फोन पर राब्ता किया जो खुद एक तालिबे-ए-इल्म था, और इस लत में पढ़ने के बाद इसने अपनी लत को पूरा करने के लिए इसका कारोबार भी करना शुरू कर दिया था। इसका काम बाहर से आइस खरीदना और फिर आगे अपने दोस्तों में कुछ पैसे ऊपर रख के बेचना था। हमें इससे बात करके ये तकलीफ हो रही थी कि हमारी नौजवान नस्ल आखिर किस तरफ जा रही है। क्या इनके वालदैन को इस बात का इल्म होता है कि जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए वो अपना पेट काटते हैं, वो बाहर जाकर क्या गुल खिला रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इस लड़के से क्या गुफ्तगू की, आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। नंबर दिया था तुम्हारा, तुम्हें माल वाल देना था। हाँ अल्लाह का शुक्र। यार ये बताओ कि जो है फिर माल किस टाइम तक लोगे और कहाँ लोगे? अबे भाई जो तुम्हारी उससे बात हुई है उसी पैसों में मैं, मुझे उसने बोला है कि ये पैसे लेके उसको माल दे दूँ। तुम आ जाओ फिर वहाँ पे देखते हैं। एक बार फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ हमने अपनी कमर कसी। हमारा नुमाइंदा इस लड़के से मिलने के लिए उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां का टाइम फिक्स हुआ था, और हम दूर खड़े इसका इंतजार करने लगे। इस लड़के का हमारे नुमाइंदे पर इसलिए भी शक होने का कोई चांस ना था क्योंकि पहले पकड़े जाने वाले शख्स से ये आइस खरीदता था। ये डीलिंग पहली दफा नहीं हो रही थी। हमें इस बात का अफसोस हो रहा था कि हम इस नौजवान नस्ल को टारगेट करने जा रहे हैं जिसे हम अपने इस मुल्क का मुस्तकबिल समझते हैं। कुछ ही देर इंतजार के बाद ये लड़का वहाँ आन पहुँचा। ये क्या गुफ्तगू कर रहा था, आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। पैसे कम कर दो और फिर बाद में बोलते हो अगली बार देख लेंगे। अगली बार भाई आगे पीछे कर, मैं अपनी जेब आगे तुम बेच नहीं रहा है, आगे मैं आगे बेच रहा हूँ, मुझे आगे से पैसे मिल रहे हैं। ये गुफ्तगू कर ही रहा था कि हमने फौरी तौर पर इसे दबोच लिया। अजय क्या करना है, अजय बहुत अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ जाती है जब वो देखते हैं कि उनकी बॉडी तबाह हो रही है, बिल्कुल वो किसी कामकाज के काबिल नहीं रह गए, वीकनेस इतनी है, सो नहीं पाते। तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल आपके फंक्शंस कुछ भी आप नॉर्मल डेली रूटीन की लाइफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर 40 आवर्स अगर आप जाग रहे हैं बगैर किसी ब्रेक के, तो जाहिर सी बात है कि आपके कोई भी नॉर्मल बॉडी फंक्शन नहीं हो सकेंगे। तो उससे होता है कि फिर लोगों को ये होता है कि या फिर फैमिली प्रेशर्स आ जाते हैं कि आपको ये इसको विड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन उसका यही तरीका है कि इसके सेंटर्स होते हैं जो कि मतलब ड्रग जहाँ पे मतलब उसको छुड़ाने के इदारे हैं वहाँ पे जाना चाहिए। और उसके लिए फैमिली में इस प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस दूंगी कि फैमिली को उसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे बंदे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको साथ सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट और उसके मॉरल सपोर्ट के बगैर आप बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। इस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि आया इसके साथ क्या हो रहा है। अब ये लड़का पूरी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की गिरफ्त में आ चुका है। इसने एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आने के बाद बहुत से इंकशाफात किए, जो इंकशाफात हमारे लिए एक नहायत शुक्रिया। हाँ भाई क्या नाम है, नाम है कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ते हो? में पढ़ते हो तुम? स्टूडेंट वाकई में स्टूडेंट हो? क्या लेने आए? कुछ नहीं, वहाँ पे सारी तुम्हारी रिकॉर्डिंग, सारी तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग सब सुनाना शुरू करूं तुम्हें? दाऊद साहब अभी पूछ ले क्या लेने आया था, बोल ले दोस्त से मिलना है। ये फिर ये क्या था जो मैंने देखा है? मैंने क्या था, क्या लेने आया था खुद बता दो। आइस लेने आया। आइस पीते हो तुम? जी आदत लगी है। आदत लगी हुई है, और बेचता कौन है? ये लाके देता है। ये लाके देता है यूनिवर्सिटी के अंदर, कौन बेचता है ये बताओ? मैं मेरे दोस्त हैं तो उन्हीं को देता हूँ। 3,350 रुपये।
3,000, 3,500, 2,800 जिस तरह बिक जाए जी। तो भी शर्म नहीं आ रही तुम वाकई में? तुम क्या पढ़ के आ रहे हो, क्या अकेडमिक क्या ले रहे हो? थर्ड सेमेस्टर में बीबीए करो। बीबीए के थर्ड सेमेस्टर में किस चक्कर में लग गए हो? पता है तुम्हें क्या आई जी? पता है, बर्बाद हो रहे हैं। लड़कियों को भी जी? लड़कियां भी लेती हैं। लड़कियां भी ले रही हैं जी? तुमने यूनिवर्सिटी के अंदर ये धंधा बनाया हुआ यूनिवर्सिटी? तुम ये बैग लेकर आए थे जिसमें तुम्हारी किताबें, तुम क्यों लेके आते हो ये? मतलब कोई वजह होती है बचने के लिए किसी से? नहीं। तो ये माल कभी पकड़ा गया? पुलिस ने पकड़ा है तुम्हें कभी? नहीं। और किसी यूनिवर्सिटी में देते हो? यूनिवर्सिटी में मैं एक दोस्त है वो उसको देता हूँ, वो फिर आगे किसी और को देता है। अच्छा, यानी कि चेन से चेन चल रही है? वो यूनिवर्सिटी वाले अपनी यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी वाली अपनी, पूरी चेन चल रही है। चेन है, हर जगह इनके लड़के हैं, उनको फोन करके ये देते हैं, यदि साफ नहीं बोल रहा है। इससे कैसे रापता हुआ? इससे हमें एक दोस्त ने मिलवाया था, यूनिवर्सिटी के दोस्त ने मिलवाया जी। है भाई? जी भाई। है जी जी। ये बादल जी, हम आपको बताएं कि जी इस वक्त में नारकोटिक डिपार्टमेंट, एक्साइज नारकोटिक डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के में जो ये ड्रग्स बड़ी आम हो गई और हम हर जगह सुन रहे हैं, इसमें कॉलेजेस भी हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें कि आइस जैसा गंदा नशा इस वक्त में बुरी तरह जो है वो फैल रहा है, और ये पूरी चेन से चेन है, और अभी डेफिनेटली जब इस वर्किंग होगी तो चेन में और भी बहुत लोग पकड़े जाएंगे। यहाँ पर एक दरख्वास्त करूँगा उन तमाम देखने वालों से, अभी कुछ व्हाट्सएप नंबर में शेयर करूँगा स्क्रीन पर जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हैं। खुदारा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोई इस तरह का गलीज काम हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन उन व्हाट्सएप नंबर पे दें। ये हमारा आपसे वादा है कि आपका नाम सगैराज रहेगा, लेकिन उन लोगों को पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और हम सबको मिलकर इस पर काम करना है। अब तमाम जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनसे एक दरखास्त करूंगा, वो दरखास्त ये है कि ये जो जंग है, ये जंग सिर्फ मेरी नहीं है, ये जंग हम सब की है, और हम सबको मिलकर इस लानत को अपने माशरे से ख़त्म करना है। अब जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि उनकी यूनिवर्सिटी में कोई अपना, उनका दोस्त या फिर कोई आउटसाइडर किसी भी किस्म की मंशियात की सप्लाई में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो एक व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे कुछ, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और या फिर कोई वीडियो बना के दे सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन है, आपको किसी किस्म का डर है, तो जो हमारा आज टारगेट का पेज है उस पर आप हमसे रابطہ कर सकते हैं और उस शख्स की इंफॉर्मेशन आप हमें दे सकते हैं, और आपका नाम सगैराज में रखा जाएगा। देखने में ये आ रहा है कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में, इसके अलावा जो प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं जहाँ पर लड़के लड़कियाँ भी आते हैं, वहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लड़के जो इस वक्त हमारी नज़रों में हैं वो, और जो है उनको हम टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी इसकी सप्लाई में जो है वो इन्वॉल्व है, एक बिजनेस बनाते जा रहे हैं। तो खुदारा ये नशा बहुत ख़तरनाक है, इस नशे का इस्तेमाल आपको तबाह कर देगा, आप यकीन माने आपको तबाह बर्बाद कर देगा, तो खुदारा इसको रोकिए और हमारा साथ दीजिए। इन तमाम चीज़ों के बाद हमने रुख किया DG एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट शुएब सिद्दीकी साहब का, उनसे क्या बात हुई आइए आपको दिखा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DG नारकोटिक्स कंट्रोल शुएब सिद्दीकी साहब, इनसे हम बात करेंगे जो हमारी कार्रवाई हुई है उस हवाले से। शुएब साहब, नारकोटिक्स थिंग जो आपका पहले था वो भी माजी में हम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे पास एक लेटर भी आया था आप लोगों की जानिब से भी, कि जो आप लोगों ने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस वक्त अपनी कड़ी नज़र की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो ऐसी क्या कंप्लेंट्स आ रही थी कि इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? जी, बहुत कंप्लेंट आ रही थी, और हमारी नौजवान नस्ल के हवाले से बहुत बड़ा कंसर्न है, और उसमें आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर जब ये खबरें आईं तो उस पर एक्शन लिया है। तो हमारी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि आप हमारे साथ तआवुन कीजिए इसमें, और हमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको है वो हमसे शेयर करें। शुएब साहब, एक खौफ ये होता है किसी भी एक आम आदमी के अंदर, क्योंकि मैं आम आदमियों को ज़्यादा डील भी करता हूँ, कि जी हम अगर शिकायत करेंगे तो या तो हमें मुदई बनाया जाएगा या फिर हमारा नाम जो है वो लीक आउट हो जाएगा। इसमें उस इन्फॉर्मर का रोल सिर्फ इस हद तक है कि वो हमें सिंपली व्हाट्सएप एक मैसेज करे, और उसको बिल्कुल ये गारंटी है हमारी कि उसका बिल्कुल नाम जो है सगैराज में रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और उसकी कोई आइडेंटिटी किसी भी स्टेज पर कहीं डिस्क्लोज नहीं की जाएगी बेसिकली। शुएब साहब, क्या वजह है कि हम ये देख रहे हैं खासतौर पर कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेज़ के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है,
आया है कि पेरेंट्स की जानिब से बच्चों पे नज़र नहीं रखी जा रही है या माशरा ऐसा हो चुका है। और अफसोस इसमें भी ये भी देखने में आता है कि बेचने वाले में से खुद भी बहुत से स्टूडेंट्स ही हैं जो आपस में शेयरिंग के नाम पर बेच रहे हैं, वजह क्या है इसकी? बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इसमें सच्ची बात यह है कि इसमें सब कसूरवार है, इसमें माशरा भी कसूरवार है, इसमें माजरत के साथ हमारे मीडिया का भी शायद थोड़ा सा कसूर होगा, उस तरह हाईलाइट शायद हम नहीं कर पाते चीज़ों को, और वालदैन का भी कसूर है, इसलिए कि बच्चों पे नज़र रखनी बड़ी सख्त ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जब वो हायर स्कूल में या कॉलेज में पहुंचते हैं तो वो एक टाइम होता है, तो उन पर इस चीज़ों पर सख्ती से नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, चेक पोस्ट जो एक तो आप लोगों की तहरे कराची से बाहर सखर में और लड़काना में इधर उधर चेक पोस्ट हैं, तो उनको भी कुछ एडवांस किया जाएगा कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आपको मिले हैं गवर्नमेंट की जानिब से जो इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाएँ? अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कुछ, एक तो ये जो जितनी भी चेक पोस्टें हैं हमारी थोड़ी सी ये शेबी कंडीशन में है, बहुत प्रॉपर इनके स्ट्रक्चर नहीं है, तो एक हम स्कीम ये भी बना रहे हैं कि इनका हम एक प्रॉपर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाएं तमाम चेक पोस्टों का थ्रू आउट द प्रोविंस। दूसरा ये है कि हम उसको इक्विप्ड करें, वहाँ पे प्रॉपर असलाह लोगों के पास हो, गाड़ियाँ हों उनकी, इसलिए कि मुलजिम के पीछा करने के लिए आपको गाड़ियाँ भी उसी हिसाब से चाहिए होती हैं, प्रॉपर चाहिए, की ट्रेनिंग उसी हिसाब से चाहिए जी। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जितनी तेज़ी से इसको इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट और एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, खासतौर पर अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं ये बड़े गलत तरफ जा रहे हैं, और वो उनके लिए भी मैसेज है कि जी सुधर जाएँ, और क्योंकि आप भी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं और फिर इसकी सजा भी है, वो भी आपको बताएंगे। शेर साहब, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को जो बेरा रवि का शिकार होते जा रहे हैं, जो आइस पीने को कोई बहुत बड़ा फैशन समझते हैं या जो ड्रग्स लेने को एक फैशन समझते हैं, तो उनको कोई मैसेज और सज़ा के पकड़े जाने पे क्या सज़ा है? देखिए, मैसेज तो यही है कि तालीम की तरफ ध्यान दें नंबर वन, और नंबर टू मैदानों का रुख करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं बजाय इस किस्म की पार्टीज़ और उसमें जाने के लिए। पार्टीज़ अगर हेल्दी पार्टीज़ हैं तो उसमें जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ पर इस किस्म का स्टफ इस्तेमाल होता है वहाँ से तो बहुत दूर रहना चाहिए। वालदैन को भी उन पर नज़र रखनी चाहिए, और यकीनन इसकी बहुत सख्त सज़ा है, आपको पता है कानून में अगर ये ऐसी चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, प्लस अगर कोई बड़ी क्वांटिटी में अगर किसी के पास से बरामद होता है तो वो उसके लिए लाइफ पेनल्टी भी है। बिल्कुल जी, तमाम इस वक्त में यंगस्टर्स और वो तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो या तो शेयरिंग कर रहे हैं या एक दूसरे को दे रहे हैं, अगर आप पकड़े गए तो आपका पूरा करियर, पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह हो जाएगी। और उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से, लेक्चरर्स से, टीचर्स से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमें सबको मिल के बचाना है, ये सिर्फ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का काम नहीं, हम सबके काम है। तो जो नंबर अभी हम शेयर करेंगे, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो उस पर ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया शुक्र साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं लास्ट में इस प्रोग्राम के ज़रिए यही अवेयरनेस देना चाहूँगी कि प्लीज़ एक नॉर्मल और सीधी सादी लाइफ गुजारें, और टूवर्ड्स अपने बिल्कुल नॉर्मल जो आपका टारगेट है वहाँ तक जाएं, बगैर किसी ड्रग को यूज़ करें बगैर, क्योंकि ये ड्रग्स वक्ती तौर पे तो आपको शायद थोड़ा हैप्पीनेस या आपके जो डिज़ायर अफेक्ट्स हैं उनको दें, लेकिन ये आपकी पूरी बॉडी को तबाह कर देते हैं, आपके ख़ानदान को तबाह कर देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कल को आप किसी ख़ानदान के सरबराह बनेंगे और आप इस चीज़ को एडिक्शन का शिकार हैं तो किस तरह से आप अपनी फैमिली को ग्रो करेंगे? अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको अकेला ना छोड़ें, तन्हा ना छोड़ें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। कोई भी ऐसी चीज़ उनको नज़र आती है जो उनको लगे कि बच्चा जो है रात रात भर जाग रहा है, रात रात भर दोस्तों के साथ है, या कोई भी डिफरेंट कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि उसमें पहले नहीं थी और वो अब आप नोट करें, तो प्लीज़ उसको फॉलोअप करें और देखें कि इसकी क्या वजह है। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कि तालीमी इदारों के बाहर और तालीमी इदारों के अंदर भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि तालीमी इदारों की इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जितने भी तालीमी इदारे हैं उनकी इंतज़ामिया इस पर सख्त एक्शन भी ले रही है, और ज़ाहिर है उनकी इल्म में नहीं होता तभी चोरी छुपे ये काम हो जाते हैं। वालदैन से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, तालीमी इदारों के अंदर तो चलें, मैं कहता हूँ एक खौफ होता है वो इस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब वो तालीमी इदारों से बाहर आते हैं और ग्रुप स्टडीज़ के नाम पर जो है 8-8, 9-9 लड़के जमा होते हैं, उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ होने का चांस होता है। तो खुदारा ये पेरेंट्स का भी काम है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, अभी वो उस एज में है कि जिसमें बिगड़ने का चांस होता है, तो आपकी नज़र जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा तमाम यंगस्टर्स से ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें जी, ये वो मंशियात है, ये वो नशा है जो आपको अंदर से तबाह बर्बाद कर देगा। मैंने आपको अपने प्रोग्राम में वो एग्जाम्पल भी दिखाई है कि जो मंशियात की लत में पड़े हुए इंसान का हाल होता है, तो खुदारा खुदारा खुदारा
इस चीज़ से बचिए, इस चीज़ को से हम सबको मिलकर लड़ना है और हमें अपने माशरे को इस चीज़ से ख़ास तौर पर पाक करना है। फिर एक बार कहूँगा कि अगर किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो ज़रूर शेयर करें, और ऐसे जो नासूर हैं इन्हें हमें अपने माशरे से निकाल कर फेंकना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।